प्रिया धीर, रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। पीएम मोदी ने आज ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एल ए अडवाणी ने एम्स में ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। कोलकाता में मिथुन चक्रवर्ती को नहीं मिल रही प्रचार करने की इजाजत, बेहाला पश्चिम में करने वाले थे जनसभा। तमिलनाडु में 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का आरोप, वैक्सीन देने में भेदभाव कर रही है केंद्र। कोरोना से दिल्ली में वैक्सीनेटिंग ऑफिसर हुए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली मेट्रो में मास्क न पहनने पर 7 अप्रैल को 672 लोगों पर लगाया गया जुर्माना। गुजरात सरकार के एक और मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा हुए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से पूरे मध्य प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का ऐलान। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 9 अप्रैल को चुसुल में 11वें दौर की वार्ता। देहरादून के दून स्कूल में मिले 12 कोरोना पॉजिटिव केस, प्रतिबंधित इलाका घोषित किया गया क्षेत्र। जम्मू में जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स से जुड़ा आतंकी गिरफ्तार, एनआईए ने दबोचा। महाराष्ट्र में सातारा जिले में कोरोना वैक्सीन की किल्लत, टीकाकरण रोका गया। उड़ीसा में भी कोरोना वैक्सीन की किल्लत, 700 सेंटर हुए बंद, प्रदेश में सिर्फ 2 दिन का स्टॉक। शेयर बाजार हरे निशान में, सेंसेक्स 224 अंकों की उछाल के साथ खुला। राजस्थान में 67 आईएएस अधिकारियों का तबादला, 8 जिलों के कलेक्टर बदले गए। कोरोना के कारण न्यूजीलैंड में भारत से आ रहे लोगों की एंट्री पर 11 से 28 अप्रैल तक लगाई रोक। यूपी में कोरोना संक्रमण पर सीएम योगी का निर्देश, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाए, मास्क न पहनने पर लगे जुर्माना। दिल्ली में नॉर्थ वेस्ट जिले में स्वास्थ्य केंद्र पर जाने वाले हर शख्स का होगा कोरोना टेस्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में अब तक 9 करोड़ से अधिक लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।